क्या आपको पता है कि आज इसराइल गाजा में ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय क्यों नहीं कर रहा है? देखिए 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के ऊपर मिसाइल बैरेज के बाद आज तक गाजा में एयर स्ट्राइक्स के अलावा इसराइल ने ऑन ग्राउंड कोई ट्रूप्स नहीं भेजे हैं, जिसका मेन रीजन है हिजबुल्ला और हिजबुल्ला का नदन बॉर्डर से अटैक का खतरा। हिजबुल्ला एक लेबनीज शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1985 में साउथ लेबनन की इसराइली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट क्रिएट किया गया था। ऑलरेडी हमास के अटैक्स के बाद 8 अक्टूबर से इसराइल के नदन बॉर्डर्स पर हिजबुल्ला के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्क्रिमिशेस चल रही हैं, और हिजबुल्ला इसराइल को गाजा के इन्वेजन के अगेंस्ट चेतावनी भी दे चुका है, और इसीलिए हिजबुल्ला के नदन एरिया से इनकर्जन के डर से अभी तक भी इसराइल ने ऑन ग्राउंड गाजा में हमास को एलिमिनेट करने के लिए इनकर्जन नहीं किए हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इसराइली डिफेंस फोर्सेस एयर स्ट्राइक्स के अलावा गाजा में इंट्रूड करेंगी और साथ ही नदन बॉर्डर्स पर हिजबुल्ला से भी लोहा लेंगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।